हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी। ये आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल रेसिपी, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसके अंदर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल और दो ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे। ये है पनीर, यहाँ मैंने लिया है 1 कप पनीर। तो इसके लिए मैंने लिए 1/2 कप शुगर। हम सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे आज ये मिठाई। व्रत में जब भी कभी आपका मन करे कुछ मीठा खाने का तो इस रेसिपी को आप ज़रूर आजमाइए। अब हम एक मिक्सर के जार में सभी पनीर के पीसेस डाल लेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप शुगर। इन दोनों को हम एक साथ मिक्सर के जार में पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्सर में चला लिया है, हमने इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पैन के अंदर। यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, यहाँ मैंने पनीर और शुगर का जो मिश्रण है इसे पैन के अंदर ले लिया है। आज हम दो ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही यम्मी डेजर्ट बनाएंगे। ये कलाकंद खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। हमने इसे अब गैस के ऊपर चलाने रख दिया है। हम इसे ज़्यादा देर तक गैस के ऊपर नहीं गर्म करेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये बनकर रेडी हो जाएगा। हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं करेंगे। ये देखिए, ये कैसा मेल्ट हो चुका है। अब थोड़ी देर में इसके अंदर पनीर के छोटे छोटे पीसेस आ जाएंगे, बस तभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। हम इसे अगर ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो जो हमारा पनीर है उसका स्ट्रक्चर वो चूवी सा बन जाएगा। इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं साइड से ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगा है, मतलब हमारी कलाकंद बनकर तैयार है। हमने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए, यहाँ मैंने इस तरह के ग्लासेस लिए हैं इसे सर्व करने के लिए। अब मैं इन ग्लासेस के अंदर कलाकंद को डाल दूँगी। हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। हमने इसमें मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ता। आप चाहे तो आपके हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। अब मैं इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर लगा रही हूँ एक एक गुलाब की पंखुड़ी। आप चाहे तो इसके अंदर गुलकंद या रोज सिरप भी डाल सकते हो, उससे भी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा। पर हम इसे बना रहे व्रत के लिए, इसके लिए हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। तो लीजिए, ये तैयार है हमारी इंस्टेंट पनीर कलाकंद बनकर। तो है ना, ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो अब की बार जब भी आप कभी व्रत करें और आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स कर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। Thank you so much.